नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम संत काव्य को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लासेस सभी, आप चाहे यूजी में हो या फिर पीजी में हो या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों हिंदी साहित्य से, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। ओके, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे क्लासेस बनाने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो हिंदी साहित्य पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, जो हिंदी साहित्य सभी पढ़ते हैं, उसमें आज मैं जो क्लासेस बना रही हूँ और अब तक इतनी क्लासेस बना चुकी हूँ तो व्यूज बहुत कम आते हैं मित्रों, तो बहुत ही बुरा लगता है। आप लोग ही सहयोग करिए ना, आप लोग ही शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन भी तभी अच्छी लगती है अगर आप बताइए। आप जो है कहीं अकेले खड़े कर दिए गए और आपसे कहा गया लड़िए, अगर आप अकेले लड़ने लगे तो आपको मूर्ख ही कहा जाएगा जब तक आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा आपके सामने। तो मित्रों, उसी तरीके से आपका जो प्रतिद्वंद्वी है, आपका जो कंपटीशन वाला जो व्यक्ति है दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इस क्षेत्र में कितने लोग तैयारी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट से? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, क्लास को शेयर करिए, है ना। तो UGC नेट GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी साहित्य, तो सभी के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं डेली क्लास बनाती हूँ, व्यूज आते हैं 100 या 150 या 200, तो अच्छा नहीं लगता है मित्रों। आप ही बताइए, एक टीचर है उसके लिए तो, या एक कोई वर्क करने वाला है, जब मैं सभी के लिए वर्क कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना। तो आप लोग आई होप समझेंगे मेरी जो भावना है, जो मैं जिस दर्द से कह रही हूँ। ओके, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे, यूजी में हो या फिर पीजी में हो या फिर इंटरमीडिएट में हो। ओके, हिंदी साहित्य सभी पढ़ते हैं तो सभी के नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो संत काव्य पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में हम, और संत काव्य को समझेंगे हम। ओके, संत काव्य क्या है? भक्ति काल में जो संत हैं, जिनको जिन्होंने निर्गुण काव्य दिया है, उन्हीं को संत कहा गया। जैसे कबीर हैं, नाभादास हैं, जो आपके रैदास हैं, ये क्या हैं? ये संत हैं, और इनको, इनके जो काव्य को कहा गया है निर्गुण काव्य भी कहा गया है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास में हमने कैसे क्या लिखा है। तो सर्वप्रथम है यहाँ पे देखिए, संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय हैं उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन। सूफी दर्शन भी आपका जो है किस में आता है? ये भी आपका संत काव्य में आता है। संतों के चिंतन, जीवन, दर्शन और काव्यधारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव, जगत और माया संबंधी विचारधारा के साथ ही ब्रह्म के स्वरूप वर्णन से संबंध उपमानों और अप्रस्तुत योजनाओं को संत कवियों द्वारा प्रय उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया है जैसा इन लोगों ने दिया है। उपनिषदों के अनंतर संत काव्यधारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है शंकर का अद्वैत दर्शन। ठीक है, शंकर का, शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, इसी का सबसे प्रमुख जो है आधार है संत काव्य में। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणव भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर आचार्य शंकर की विचारधारा का व्यापक प्रभाव है। आचार्य शंकर और निर्गुण संत का भी दोनों इस विषय में एक मत है कि जीव विशुद्ध ब्रह्म तत्व है और जो भिन्नता की उपलब्धि है वह माया अथवा अविद्या जनित उपाधि है। संतों ने आत्मा की सर्व रूपता, सर्व सर्वात्म भावना एवं सर्वशक्तिमत्ता से प्रतिपादित किया है। ये भावनाएं भी शंकर के सिद्धांत के अनुकूल हैं। संत परंपरा में आत्मा की अखंडता, यहाँ पे ये विशेषता आप जरूर नोट करिएगा, संत परंपरा में आत्मा की अखंडता, एक रसता, अद्वैत रूपता एवं अकथनीयता का प्रतिपादन भी शंकर सिद्धांत के अनुरूप है। संत काव्य और संत दर्शन पर नाथ पंथ का भी प्रचुर प्रभाव पड़ा है। किसका पड़ा है? तो नाथों का जो है प्रभाव पड़ा है संतों पर। नाथ कवियों ने एवं विचारकों के शून्यवाद, उनके द्वारा गुरु की प्रतिष्ठा और सृष्टि क्रम, आत्मा, जीव आदि के विषय में उनकी मान्यताओं से संत कवि अनेक सा प्रभावित रहे हैं।
संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति ही है। तंत्र साधना का भी संत मत पर प्रभाव रहा है, यद्यपि कबीरदास ने स्पष्टता कहा है तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया। ये किसने कहा है? ये कबीरदास जी ने पंक्ति दी है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो कबीरदास जी के बारे में हम सारे डिटेल से इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तथापि कबीर की अनंतर उनकी परंपरा में अवतरित और विकसित संप्रदायों में तंत्र साधना का स्वरूप प्रमुख रहा। मलूक पंथ और निरंजन संप्रदाय में इस प्रभाव को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई है। जो संत हैं, जो इस्लाम के संपर्क से प्रभाव के कारण जो संतों की विचारधारा थी वह एकेश्वरवाद थी, क्योंकि संत जो है एक ही ईश्वर को मानते थे। ओके। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही, विधेयात्मक कम। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के बहिष्कार का मूल आधार इस्लाम धर्म ही है। जो मूर्ति पूजा है तथा अवतारवाद के बहिष्कार जो है मूल आधार इस्लाम धर्म ही है। इस्लाम ने सामाजिक असमानता को दूर करने की चेष्टा की। अगर आपसे इस टाइप से कूट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी में से आ सकते हैं। सत्य यह है कि एकेश्वरवाद उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अतः कबीर प्रभृति संत कवियों ने हिंदू मुसलमानों दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को बहुदेव वासना के अभिशाप से छुटकारा मिला। इस संदर्भ में दार्शनिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर सूफी मत से प्राप्त प्रेरणा भी उल्लेखनीय है। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि सूफी दर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। सूफी मत ने संतों की विचारधारा को ही नहीं अभिव्यंजना शैली को भी प्रभावित किया है। इस संप्रदाय के साधनात्मक एवं भावनात्मक आदर्श संत कवियों को निरंतर प्रभावित करते रहे हैं। सूफी मत ने देशव्यापी धार्मिक कट्टरता को समाप्त करके प्रेम सहिष्णुता औदार्य एवं मधुरता की भावना का प्रसार किया। यह कार्य ज्ञान मार्गी संतों के साहचर्य व सहयोग से ही संभव हुआ है। उस युग में ज्ञान मार्गी संत कवियों ने धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र की रूढ़ियों की अपेक्षा एक आलोचना की है। उन्होंने निगम आगम पुराण आदि को महत्वहीन प्रमाणित किया है। किन्होंने? संतों ने। किंतु बौद्धों का दुखवाद एवं शून्यवाद वज्रयानियों की तांत्रिक साधना सिद्धों की गूढ़ोक्तियों के रूप में उलटवासियां नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना किसी न किसी रूप में संत काव्य में समाहित हुई है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य वैदिक परंपराओं एवं बाह्यचारों की जो आलोचना आद्योपांत की है वह सब बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्ययुग में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद ने साधना एवं भक्ति के द्वारा शूद्रों तथा निम्न वर्गों के लिए भी पट खोल दिए थे। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उन्होंने उसे और भी सुसाध्य एवं स्पर्शनीय स्वरूप प्रदान किया। किसने? रामानंद जी ने। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व क्या है इसे देख लीजिए। जो संत काव्य है, जो निर्गुण काव्य है, उसका जो है मूल तत्व क्या है? तो निर्गुण सगुण से परे अनादि है, अनंत है, अनाम है, अज्ञात ब्रह्म का नाम जप है। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना है। नाम समस्त संशयों और बंधनों को विच्छित कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व है मानसिक भक्ति। मानसिक मतलब मन से मानना, ना कि किसी मूर्ति के सामने बैठना। अब जो एक इन्होंने जो है अपने ब्रह्म को जो माना है अपार माना है, जिसका कोई आकार नहीं है। संत मत के अनुसार भक्ति आडंबरहीन होती है, इसलिए संत काव्य में वैष्णव की नवधा भक्ति पाद सेवन अर्चन वंदना आदि का कर्म कांड समस्त तथा परंपरा समर्थित रूप नहीं मिलता। साधना मार्ग को व्यवहारिक एवं सरल स्वरूप प्रदान करने में ही संत मत की सार्थकता है। इस भक्ति पद्धति का तृतीय मूल तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुरूहताओं को दूर करना। प्रेममयी भक्ति का अनुभव व्यक्त करते हुए कबीर ने क्या लिखा है देखते हैं। हर रस पिया जानिए जे कब हुन जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन के सार। मित्रों, ये आपको बता दूं, ये पंक्ति आपके नेट जीआरएम में पूछी जा चुकी है।
तो ये कबीर जी की है। ओके, नेक्स्ट है निर्गुण। भक्ति का चतुर्थ एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्रों में निबद्ध करना जहाँ जाति वर्ग और वर्ण संबंधी भेद ना हो। साधना का यह द्वार सबके लिए उन्मुक्त था। इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का भेद भी विलुप्त हो गया और भक्ति के क्षेत्र में सब समान प्रमाणित हुए। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है सहज साधना। संतों की भक्ति पद्धति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की वह स्वाभाविक शक्ति है जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। सहज साधना का यह मार्ग सर्वथा अभिनव और क्रांतिकारी था। इसके धार्मिक जीवन की दुर्बलताओं को सदैव के लिए हटा दिया है। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है, उसका धर्म विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म का मूलाधार है हृदय की पवित्रता। पवित्रता सम्मत स्वाभाविक और सात्विक आचरण नहीं या धर्म का बृहत रूप ग्रहण किया है। तो मित्रों ये थी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिन्हें हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए कबीर जी ने क्या कहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। तो यहाँ पे भी गुरु जो है श्रेष्ठ बताया गया है, जिसने भगवान के दर्शन कराए, भगवान के बारे में बताया है। नेक्स्ट है उपलब्ध सामग्री और साहित्य का निर्णय। संत काव्य की जो सामग्री है, उपलब्ध सामग्री है, उसके बारे में हम देखेंगे। संत साहित्य भावात्मक एवं अनुभूति प्रवण है, उसमें किसी शास्त्र अथवा सिद्धांत के प्रति आग्रह व्यक्त नहीं हुआ है। यह बात साधना क्षेत्र और साहित्य जगत दोनों ही में समान रूप से लक्षित होती है। निर्गुण काव्यधारा के संत कवि सामान्यतः समाज के लिए निम्न वर्गों में आविर्भूत हुए थे। समाज ने उन्हें आदरणीय नहीं समझा, वे साधन विहीन वातावरण में उत्पन्न हुए तथा साहित्य भाषा व्याकरण आदि के अनुशीलन से वंचित रहे। देखेंगे आप कि जो कबीर की रचनाएं हैं उनमें बहुत ही अशुद्धियां पाई जाएंगी, या संत काव्य में जो साहित्य लिखा गया उसमें बहुत सारी व्याकरणिक और भाषा से संबंधित जो है त्रुटियाँ हैं। इसलिए उनकी काव्य भाषा में परिष्कार, परिमार्जन, परिनिष्ठता और साहित्यिकता नहीं है। संतों का भाषा दर्श सहजता और सरलता की ओर उन्मुख है। सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन एवं सत्य का प्रचार प्रसार उनकी कविता का मूल लक्ष्य था। उसका ध्यान ना काव्य सौष्ठव की ओर था और ना भाषा की परिमार्जन की ओर था। यहाँ तक कि कवि और कवि धर्म की उन्होंने स्वतः आलोचना की। संत काव्य के में साधारणीकरण भी है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट करने वाली है कि संत काव्य में भी साधारणीकरण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हें देखेंगे। संत कवियों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था, उनकी रचनाओं में जन जन के हित और उनके उद्बोधन की भावना सन्निहित थी। देखिए संतों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं थी बल्कि जागरूकता थी, ठीक है। भावों को स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने प्रतीकों, उपमाओं, रूपकों की योजना अवश्य की। दृष्टिकूट पद लिए हैं जैसे उलटवासी हैं, इनका प्रयोग किया है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि काव्य उत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव उनका साध्य नहीं था। उनकी भाषा का रूप भी स्थिर नहीं था। जहाँ वो जाते थे, जिस तरीके से वो गा देते थे अपने गीतों को, अपने पदों को, वही उनके सिर से जो है लिख लिया करते थे। उसमें उस कोटि की साहित्यिकता नहीं मिलती जैसी राम काव्य, कृष्ण काव्य और किसी सीमा तक प्रेमाख्यान काव्य में सुलभ है। इन काव्यधाराओं की प्रमुख कवियों की भाषा में प्रयास जो परिमार्जन, प्रवाह, परिनिष्ठता और सौष्ठव विद्यमान है, वह निर्गुण काव्यधारा में दुर्लभ है। फिर भी संत काव्य की यह विशेषता है कि उसमें भाषा का सहज, सरल एवं कृत्रिमता विहीन रूप उपलब्ध होता है। संत कवि पर्यटनशील थे, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों की शब्दावली का सम्मिश्रण भी है, किंतु जहाँ यह भाषा जनसाधारण तक भावों को पहुँचाने में विशेष सहायक हुई है, वहीं विविध भाषाओं और बोलियों के शब्दों की सम्मिश्रण के कारण उसमें साहित्यिकता का समावेश नहीं हो पाया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि संतों की उस परंपरा में जिसका परिवर्तन कबीर ने किया था, सत्सा कवि आविर्भूत हुए हैं, परंतु न वे सच्चे अर्थों में कवि कह जा सकते हैं, न उनका सबका काव्य साहित्य क्षेत्र में उल्लेख है। यही डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखा है ऐसा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वर्गीकरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण, तो इसमें वर्गीकरण में
संत काव्य का वर्गीकरण दो दृष्टियों से संभावित है, एक तो शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से और दूसरे संत कवियों का के द्वारा गृहित साधना प्रणाली की दृष्टि से। अब इसमें कौन कौन से रचनाकार आते हैं? निर्गुण काव्य में दो वर्गों में विभाजित कौन कौन है? तो पहले तो आते हैं कबीर, दादू, मलुकदास का आदि पूर्णता अद्वैतवादी हैं। जो कबीर हैं, दादू हैं, मलुक हैं, ये पूर्णता अद्वैतवादी हैं, जबकि नानक भेदाभेदवादी हैं। कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लिखित अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा पूर्ण रूपेण एक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नानक जो हैं भेदाभेदवादी हैं और जो आपके कबीर, दादू, मलुक जो हैं ये अद्वैतवादी हैं। ओके, इन्हें आपको ध्यान रखना है। निष्ठ देखिए, इसमें जो आपकी आती है जो योग साधना से पूर्ण प्रभावित है, तो ये इसमें हमें पिंगला या इसके बारे में आप सुरति और निरति का देखिए, यहाँ संत काव्य में प्रयोग हुआ है, तो इसको आप दोनों को देख लीजिए। ठीक है, परंतु हठ योगी साधना की सूक्ष्मताओं का ज्ञान और अनुभव कबीरदास, सुंदरदास तथा हरिदास निरंजनी को विशेष रूप से था। इन्होंने सामान्य जनता के लिए सह साधना का विधान किया है। ठीक है, वैसे हठ योग, ध्यान योग, प्रेम योग आदि योग विधियों का जितना पुस्तकीय एवं अनुभूति मूलक ज्ञान सुंदरदास को था, उतना अन्य किसी को नहीं था। तो सुंदरदास भी संत काव्य में आते हैं, लेकिन शिक्षित, सबसे शिक्षित हैं और श्रृंगार के विरोधी हैं। संत कवियों में दादू आते हैं, नानक आते हैं, रैदास आते हैं, जम्भनाथ हैं, सिंगार हैं, भीषण हैं, रज्जब हैं, बाबरी साहब हैं, मलोकदास हैं, बाबा लाल हैं, आदि की साधना पद्धति में योग तत्व की प्रधानता रही है। ओके मित्रों, आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कबीर जैसे अद्वैतवादी हैं और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि काव्य में कभी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। रैदास, मलुकदास आदि की रचनाओं में भी यह तत्व बहुलता पाया जाता है। सगुण की ओर उनकी याति कंचित प्रवृत्ति अन्य प्रकार से भी प्रमाणित होती है। उदाहरणार्थ, प्रत्येक संप्रदाय में सद्गुरु को अवतार माना गया है। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो हैं, इनमें आप देख सकते हैं जो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीच सिद्ध व नाथ कवियों की रचनाओं से मिलते हैं, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। आदिकाल में नाभदेव ने भी इस दिशा में योग का काम किया है। भक्ति काल में नानक हैं, कवि, दादू, ये सभी रचनाकार मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रामानंद जो हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है। रामानंद जो है, रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी, या मित्रों इसे मैं समझूंगी कि इसे मुझे नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चाहिए, है ना। तो रामानंद को जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और उन्हीं के साथ में कबीर को पढ़ेंगे। ओके, तो यहीं पे एंड करेंगे इस क्लास को, क्योंकि क्लास भी लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लासेस सारी देखिए और रिवीजन भी करते जाइए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं नेट जॉब के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे आपको नंबर बता दिया जाएगा, और जब नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको मटेरियल मिलेगा फुल नोट्स का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।